सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि इससे देश के अंदर जो नंबर दो की ये ब्लैक मनी के पैसा इकट्ठा लोगों ने किया हुआ है, या उग्रवाद में सहायता के लिए पैसा इकट्ठा फाइनेंसिंग चल रही है, या फिर ड्रग के फील्ड के अंदर ये फाइनेंस चल रही है, या हाई लेवल पे जो ऑफिसर्स में पॉलिटिशियंस में करप्शन चल रही है उसको चेक करने के लिए ये कदम उठाया है, और काफ़ी अच्छा कदम सरकार का ये माना जा रहा है। इससे लोगों के पास बड़े लेवल पे जो घरों में पैसा दबा पड़ा है, करेंसी लोगों ने जो होल्डिंग के रूप में या जमा करके करेंसी अपने यहाँ रखी हुई है उस वो सब बाहर निकल आएगी। इसको लेके काफी भ्रांतियां हैं, उनको जरा कुछ स्पष्ट करने का करेंगे कि जो नोट है बिल्कुल धरती के टुकड़ा हो गया है, नहीं चलेंगे या कुछ इस तरह की बात है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने रात अपनी स्पीच में कहा कि 8 तारीख रात 12 बजे के बाद ये अमान्य होंगे, ये सरकार की तरफ से अमान्य डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो अपने बैंक में जाके अपने बैंक अकाउंट में इस पैसे को जमा करवा के उसके बदले में नई करेंसी वो हासिल कर सकता है, जिसके लिए सरकार ने 30/12/2016 तक की डेट फिक्स की है। बैंक में कोई व्यक्ति अपने अकाउंट में कितना भी पैसा जमा करवा दे उसके बारे में कोई रोक टोक सरकार की तरफ से लागू नहीं की गई है। इसके बाद भी अगर किसी के पास पैसा बचा रह जाएगा तो 31 मार्च 2016-2017 तक वो कुछ चुने हुए RBI ब्रांचेज में उस पैसे को जाके जमा करवा सकता है, लेकिन जमा करने से पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन देके और RBI की शाखाओं में उस पैसे को 30/12 के बाद 31/3/17 तक जमा करवा सकता है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये करेंसी ख़त्म हो गई है और ये कागज़ का टुकड़ा बन गई है। आयकर विशेषज्ञ के तौर पर मतलब आप क्या मानते हैं, मोटे तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है जो दबा हुआ है तो वो खाते में जमा कराता है तो फिर उसको कितना कर देना पड़ेगा?